कि कोई ऐसे बोलती है जैसे मारने जा रही किसी को, मतलब धीरे धीरे, पहले धीरे बोलना शुरू करेगी, फिर तेज हो जाएगी, फिर तेज हो जाएगी और तेज हो जाएगी। तो अभी मैं करने लगी एक्वेरियम साफ, जो फिल्टर लगाए थे उस दिन साफ करके, फिल्टर लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए फिल्टर बंद रहा, तो फिल्टर लगाने के बाद वो जो पानी उसी में रह गया, तो उसकी वजह से पानी और गंदा होता जा रहा है वापस। तो अभी इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो ज़्यादा देर गंदा रहेगा तो फिश की स्किन पे ना कुछ ऑरेंज ऑरेंज ऐसे इन्फेक्शन टाइप का होने लगता है। तो अभी पानी है ऐसे, अब करते हैं इसको साफ। और पानी तो लगा दिया निकलने के लिए। इसमें क्या किया हमने, पहले इसमें हम ऐसे पाइप डाल देते हैं, तो ऐसे पाइप डाल के उसमें प्रेशर क्रिएट करके दूसरे साइड से इसमें पाइप छोड़ देते हैं, और उसको ऐसे मग से मैं थोड़ा रोक देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि पाइप अंदर रहेगा तभी पानी निकलेगा। तो अभी धीरे धीरे इतना पानी था, अभी धीरे धीरे इतना हो गया, अभी धीरे धीरे इतना, इतना करके हम इसको छोड़ देंगे ताकि मछलियों को भी पानी मिलता रहे। देखेंगे उतना पानी दोबारा भर के, फिर से थोड़ा गंदा लगेगा तो एक बार फिर निकालेंगे उसको और फिर से भरेंगे। और गर्मियों के लिए ना एक बहुत अच्छा वो आता है, एक ड्रिंक आती है, ऑनलाइन ही मंगाती हूँ मैं तो ब्लिंकिट से, और ये होता है बिस्लेरी का लिमोनाटा, लिमोनाटा लाइमी मिंटी कूलर, पता नहीं क्या क्या तो लिखा हुआ है, पर ये लिमोनाटा करके आता है बिस्लेरी का। और ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे हम बाहर जाते हैं तो हम मोई तो ऑर्डर करते हैं, फ्रेश लाइम सोडा वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो गर्मी में जैसे लिमका विमका पीते हैं हम लोग, तो उससे अच्छा तो और भी रिफ्रेशिंग है, इसमें मिंट भी होता है, तो ये बड़ा अच्छा रिफ्रेशिंग लगता है गर्मी में पियो तो। अभी एक्वेरियम साफ हो रहा है और इसके बाद हम लोग सोफे क्लीन करेंगे, क्योंकि सोफे पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सारे टाइम अभी हम लोग ने भी किचन का काम कराया था और आसपास बहुत कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, तो उससे क्या होता है मतलब गेट वेट खुलते ही हैं बालकनी के, तो ऐसा है नहीं कि घर में ही मिट्टी होती है, बाहर से थोड़ी 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 मिट्टी आके सब जगह जमती रहती है। सोफे साफ करने अभी उन पर भी थोड़ी 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 धूल जैसे ना जमी रही है, तो वो क्लीन भी कर दो तब भी वो ऐसे लगते हैं जैसे क्लीन हुआ नहीं है पूरा। तो अभी उसको क्लीन करना है वैक्यूम क्लीनर से, उसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि वो प्रॉपर अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे। वो क्लीन करने का टाइम अभी देखते हैं कैसे मिलता है, जैसे ये खत्म होता है उसके अकॉर्डिंग, अभियान अभी सो रहा है इसलिए ये काम हो पा रहा है, तो अगर अगर वो उठ गया इसके होते होते तो ये काम जैसे तैसे खत्म करके फिर उसके साथ लगना पड़ेगा। और वो अभी सो ही रहा है, और वो थोड़ी देर अगर और सोता रहा तो फिर एक्वेरियम साफ करके फिर सोफे क्लीन करेंगे आज, क्योंकि दो तीन दिन से वैक्यूम क्लीनर पड़ा हुआ है यहाँ पे लाके। पापा गए हुए थे चंडीगढ़ तो वो वैक्यूम क्लीनर वहाँ पड़ा हुआ था फ्लैट पे, तो हमने पापा को स्पेशली बोल के मंगवाया कि वैक्यूम क्लीनर लाओ सोफे साफ करने हैं, तो दो तीन दिन हो गए पर वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो इससे पहले हमें सुनने को मिले कि मंगवा लिया और काम नहीं हुआ, तो उससे अच्छा है कि हम जो है बिना सुने काम कर लें, तो उसको साफ कर लेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जब तक ये खाली हो रहा है ना, आधे से ज्यादा हो चुका है, थोड़ा सा और होगा बस, फिर मछलियों के लिए पानी छोड़ना होगा थोड़ा सा, उसके बाद इसको फिर से पानी भरेंगे। तब तक मैं आईफिल टॉवर घुमा के लाती हूँ आपको। I've been looking out for somebody just like you, but then you walk on by. तो इतना पानी अभी भर दिया था हमने इसमें दोबारा, तब में और अब में इतना डिफरेंस आ गया, इतना पानी भर दिया था, अब वापस निकाल रहे हैं एक बार फिर से ताकि और थोड़ा साफ पानी हो जाए। और अभी हम पी रहे हैं शाम की चाय, शाम की चाय मतलब 8 बजने वाले हैं तो रात ही हो जाती है, क्योंकि अंकुश का वेट कर रहे होते हैं हम चाय के लिए, तो चाय पी लिया। पर उसके बीच में हमने कर दिया पिज्ज़ा ऑर्डर, क्योंकि पापा ने बोला उनको तो खाने का मन और हमें बहाना मिल गया खाने का। पिज्ज़ा हमारा आ गया,
शिप लेना हो बस यहाँ पे, एक मिनट भैया, मंगानी थी स्प्राइट, मिली नहीं भैया। स्प्राइट नहीं रखते क्या आप लोग? स्प्राइट ड्यू मिल जाती है, माउंटेन ड्यू, पेप्सी, मिरिंडा। ये मंगाया मैंने इस बार ट्राई करने के लिए, टैको मैक्सिकन, पता नहीं क्या है ये। पिज़्ज़ा और होगा भैया? हम निकाल रहे हैं, एक मिनट निकाल रहे हैं, रुको मैं पहले ये रख देती हूँ। खाना होता है थोड़ा सा मंगा, पता नहीं क्या क्या लेती हूँ मैं। सीजनिंग और दे दो, थैंक यू भैया। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने सोचा कि मैं घर आया था कि गुड्डू ना कुड़ कुड़ कर रहा था, तो मुझे लगा कहीं इसको घूमने जाना हो, तो मैं ऐसे ही बैठे होते फ्री, मैं कहा चलो घूमी घूमी करा के ले आते हैं इसको, गुड़िया को। इसके मन की वो नहीं गया इसलिए इसको हम लेके चल रहे हैं घूमने थोड़ा सा। हाँ, गाड़ी में घुमा लेंगे तो क्या पता थोड़ा भूल जाए कि इसको क्या हो रहा है। नहीं ठीक है, थोड़ा इसको भी बाहर जाने का मन करता है। चाबी ले ली? हाँ ले ली गाड़ी की चाबी, तो चले इसको घुमाने के लिए गाड़ी में। चलो बाय बाय। हम अभियान को लेके निकले थे और हमारे यहाँ पे एक डिस्काउंट बाज़ार खुला हुआ है, हमें पता ही नहीं था कि यहाँ डिस्काउंट बाज़ार खुला भी हुआ है घर के पास भी, तो ऐसे ही हम आ गए हैं यहाँ पे देखने के लिए। अगर कोई टॉय वॉय मिलेगा तो फिर इसके लिए टॉय ले लेंगे। चेक कर रहे हैं यहाँ पे, कार परफ्यूम देख रहा था। अच्छा कार परफ्यूम, ये सही रहते हैं एमबी प्योर के? नहीं मेरे पास ये कहता है इसका रिफिल मिल जाए तो रिफिल ला लेता हूँ। चलो सामान देख लेते हैं पहले, तो हमने ले लिया सामान यहाँ पे, लेना कुछ भी नहीं था भैया, चेक कर लेंगे अभी, लेना कुछ भी नहीं था पर फिर भी अंदर घुस गए तो यहाँ पे 1000 रुपये का हमने काम कर ही लिया। तो चलते हैं अभी, ये लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये भैया कह रहे हैं आपने कर लिया, हमारी वीडियो नहीं डाली, ये भैया ने मेरी बिलिंग करी है, थैंक यू भैया। तो भैया कह रहे हैं मैडम आपने सामान तो ले लिया, आपने मेरी वीडियो तो डाली नहीं कहीं पे। मैंने कहा रुक जाओ। और हम खड़े हैं इस मार्केट में, यहाँ पे स्पर्श, तो ये जो बोर्ड चमक रहा है ना, ये वाला, ये स्पर्श, और स्पर्श पे हम लोग तो बहुत पहले से जा रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये जो इनका नया पार्लर खुला है ना, ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, क्योंकि जितने भी टिकटॉकर्स थे और जितने भी सोशल मीडिया पे आजकल जो रील्स बना रहे हैं, जो टिकटॉक बना रहे हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग यूट्यूबर्स हैं, जो व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे आना शुरू किया था, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग आने लगे इनके एक्सटेंशन के लिए, इनके हेयर कट्स के लिए, कलरिंग के लिए। अब तो इन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया है, तो इन्होंने नया स्टार्ट किया है, एक बॉक्स में ये हेयर कट मतलब पूरा बना के और वो बॉक्स डिलीवर करते हैं आपके घर पे। तो ऐसे ये फ्लिक्स वगैरह जो लोग निकालते हैं, वो बिना बनी बनाई फ्लिक्स, आप बस अपना कलर बता दो कि बालों का कलर क्या है और इनको ऑर्डर प्लेस कर दो, तो ये पूरा का पूरा बॉक्स वहां पे डिलीवर कर देते हैं, तो वो फ्लिक्स के साथ मतलब पूरा हेयर स्टाइल ही डिलीवर कर देती है।